मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह एमएस एक्सेल में अपने सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को और शीट्स को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्टाइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे एयरपोर्ट 2 का, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री में एयरपोर्ट 2 को जीत सकते हो। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए जल्दी से और कीजिए पार्टिसिपेट और जीतिए चांस एयरपोर्ट 2 को जीतने का। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह हम अपने एमएस एक्सेल फाइल में रोज, सेल्स एंड कॉलम्स को और शीट को किस तरह इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि हम अपने एमएस एक्सेल फाइल में अपने किसी भी सेल को इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, डिलीट किस तरह कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी अपने कॉलम्स को और रोज को इंसर्ट और डिलीट किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पहले से फॉर्मेट रेडी किया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक कॉलम में नेम्स हैं और एक में पोजीशन है और तीसरे में सैलरी है और एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर स्टीवन के देखिए, यहाँ पर पोजीशन में यहाँ पर गलत वैल्यू डाली हुई है और यहाँ पर सैलरी में भी गलत है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए डाली है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह सैलरी है वो मेरी यहाँ पर है और जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर है। तो इसके लिए मुझे एक सेल शिफ्ट करना होगा। तो जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर इसकी सैलरी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएगी और एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें करना होगा सेल इंसर्ट। तो किस तरह करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं देखिए जिस सेल को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं अपना इस सेल को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने इसे सेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब की सेल्स में आपको इंसर्ट की ऑप्शन मिलेगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स की, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस आ गई हैं। शिफ्ट सेल्स राइट, अगर आप इस सेल को राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो तो आपने फर्स्ट पोजीशन चूज करनी है। तो अगली है शिफ्ट सेल्स डाउन, अगर आप नीचे की तरफ सेल को शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको सेकेंड पोजिशन सेलेक्ट करनी है। थर्ड वन है इंटायर रो, अगर आप इंटायर रो इंसर्ट करना चाहते हो इंटायर कॉलम में, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन फीचर्स को यूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि मेरे पास जो मेरी पोजीशंस हैं यहां पर मेरी सैलरी आए और एक्सपीरियंस यहां पर आए, तो मैं इसे राइट की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूं। तो मैं इसे राइट पर क्लिक कर देता हूं, इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे से ओके पर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर देखिए ये मेरे जो सेल इंसर्ट हो गया है और ये यहां पर शिफ्ट हो गए हैं, तो अब ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने किसी भी सेल को इंसर्ट करके राइट लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम अपने किसी भी कॉलम को इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरे कॉलम है बी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज, इंसर्ट करने के लिए आपने उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जिसके आगे आप उसे इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया है। तो बी पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेल्स में इंसर्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए आगे एक इंसर्ट हो चुका है कॉलम हमारा। तो इस तरह से आप और भी कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। इसका एक दूसरा वे भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं सी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट की ऑप्शन है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हो तो किस तरह कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए आप तीन कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर उसके पीछे वाले यहाँ पर आप करना चाहते हो, उन्हें तीन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है या फिर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके
यहां से इंसर्ट कर देता हूं, तो यहां पर देखिए ये तीन हमारे कॉलम्स एक साथ इंसर्ट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसे डिलीट किस तरह करना है। तो मान लीजिए मैं बी को एक सेल को डिलीट करना चाहता हूं, तो इसके लिए यहां पर आपके पास सेल्स में ऑप्शन है डिलीट की, तो आपने इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। तो देखिए ये मेरा एक सेल डिलीट हो चुका है। अगर आप मल्टीपल डिलीट करना चाहते हो तो आपने वही या इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और यहां से डिलीट पर क्लिक कर देना है, या फिर यहां पर जाके अपने राइट क्लिक कर देनी है और यहां नीचे से डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये सभी डिलीट हो चुके हैं, वापस उसी पोजीशन में आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं रो को किस तरह इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैं इस 3 नंबर की रो से ऊपर एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं यहां पर 3 नंबर पर क्लिक करके। तो अब ये मेरी सिलेक्ट हो चुकी है रो, और यहां पर जाके मैं ऊपर इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट शीट रोज की, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए एक रो इंसर्ट हो चुकी है। या फिर इसका दूसरा वे भी है, आपने अपने किसी भी रो को सिलेक्ट कर लेना है, उस पर राइट क्लिक करके और यहां से इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए एक इंसर्ट हो चुकी है। तो अगर आप मल्टीपल रोज को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं 2 रोज को इंसर्ट करना, तो मैं अपनी आगे वाली 2 रोज को सिलेक्ट कर लेता हूं और उस पर राइट क्लिक करके यहां से इंसर्ट कर देता हूं। तो देखिए 2 रोज हमारी और ऐड हो चुकी हैं, इंसर्ट हो चुकी हैं। तो इसे डिलीट करने के लिए फिर से वही वे हम यूज करेंगे। मान लीजिए मैं 3-1 रो को डिलीट करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से डिलीट पर क्लिक कर देता हूं, और क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए डिलीट शीट रोज हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये डिलीट हो चुकी है। तो अब अगर आप मल्टीपल डिलीट करना चाहते हो तो आप दूसरी ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, यहां से भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर एक बार आपको राइट क्लिक करके यहां से डिलीट करके दिखा देता हूं। तो यहां पर डिलीट पर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर देखिए ये डिलीट हो चुकी हैं हमारी रोज। तो गाइज ये थे इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स और डिलीट करना। तो अब हम देखेंगे शीट को इंसर्ट किस तरह करना है और डिलीट किस तरह करना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक शीट 1 है जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक और शीट इंसर्ट करना, तो यहां पर देखिए ऊपर इंसर्ट पर आपने क्लिक कर देना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट की, तो अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहां पर देखिए एक शीट नीचे और ऐड हो गई है। तो इस तरह से आप और भी शीट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका दूसरा मेथड भी है। यहां पर देखिए प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए एक और शीट ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से शीट 1, 2, 3 हमारी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी शीट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शीट का अरेंजमेंट है वो कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 1 है। मैं चाहता हूँ इसे एक अरेंज हो जाए प्रॉपरली, 1, 2, 3 के जैसा हो जाए। तो आपने इसे क्या करना है, इसे करने के लिए तो आपने सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेना है शीट 1 को, और यहां से ड्रैग करके आगे ले जाना है और यहां पर छोड़ देना है। तो ये सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आपका अरेंजमेंट सही हो जाएगा। तो अगर आप इन शीट्स का नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसका एक मेथड है, आपने इस पर राइट क्लिक कर देना है जिस शीट का आप नेम चेंज करना चाहते हो। तो यहां पर देखिए आपके पास रीनेम की ऑप्शन आ रही है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर मान लीजिए मैं इसका नेम रख देता हूं ऑफिस। तो इस तरह से आप इस शीट के नेम को चेंज कर सकते हो। देखिए ये मेरा नेम चेंज हो गया है। तो इस तरह आप किसी भी शीट को अपना कोई भी नेम दे सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन सेल्स, रोज, कॉलम्स और शीट को इंसर्ट और डिलीट करने की। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। और जाते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।